सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। रिश्ते खराब होने की एक वजह ये भी है कि लोग झुकना पसंद नहीं करते। बोले गए शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। दुनिया का डर नहीं जो तुझे उड़ने से रोके हैं, कैद है तू अपने ही नजरियों के पिंजरे में। आप कुछ भी करे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप उसे किस मन से कर रहे हैं यह बहुत मायने रखता है। आज का पंचांग 12 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, रात्रि 1:59 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र शाम 5:10 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:13 से 1:40 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मेष राशि पर रात्रि 11:29 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 12 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार, इस समय सेहत पर आपका खास ध्यान है। कोई मूर्खतापूर्ण रिश्ता आपको अपमान दिलाएगा। आपको लॉटरी सरप्राइज या अप्रत्याशित तरीके से कोई उपहार मिल सकता है। खतरनाक मनोरंजन गतिविधियों पर धन व्यर्थ ना करें। भावी कल्याण के लिए अपने शरीर और आत्मा का ध्यान रखें। आज के दिन आप अपने सभी विचाराधीन काम पूरा करेंगे, इसी कारण अपने सहकर्मियों का ध्यान आकर्षित करेंगे। आपका भविष्य बहुत रोशन है। अवसर और भाग्य दोनों आपकी ही तरफ है। परिश्रम करें और विजय हासिल करें। बड़े सपने देखने वालों के सभी सपने हमेशा पूरे होते हैं। ये समय भावनाओं के बजाय व्यवहारिक सोच रखने का है। आपका संतुलित और व्यापारिक रवैया आपको लाभदायक स्थितियां प्रदान करेगा। कुछ समय एकांत अथवा किसी धार्मिक स्थल पर व्यतीत करना आपको पुनः रिचार्ज करेगा। खुद से ज्यादा दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी देने से संबंधों में तनाव आ सकता है। अपने लक्ष्य से भटक सकती हैं। लोगों के साथ ठीक से बातचीत करने की कोशिश करें, लेकिन अपना दायरा बनाए रखना चाहते हैं तो उनकी बात को समझें। बैंकिंग से जुड़े हुए लोगों को उच्च पद प्राप्त हो सकता है। पार्टनर के साथ बातचीत करने के बाद ही आगे बढ़ें। सावधानियां, कभी कभी मन में कुछ अनहोनी होने जैसा, लेकिन इस वहम से अपने आप को निकालें। अपने नजदीकी लोगों के साथ बातचीत करते समय थोड़ा सावधान रहना भी जरूरी है। गलत फहमियों की वजह से संबंधों में खटास आ सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आने की संभावना बन रही है। प्रेम संबंधों में मर्यादित रहना जरूरी है। अभी आप अपने रिश्तों में बदलाव लाने के बारे में सोच रहे हैं ताकि आप इसमें ताजगी और यौन सुख का आनंद ले सकें। हालांकि कोई झटका, अपमान या दुख भी आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन किसी अच्छी खबर के लिए तैयार हो जाएं। काफी समय से बचा हुआ काम आज आप पूरा कर लेंगे, जिससे आपके सहकर्मी भी आपकी तारीफ करेंगे। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको संतुष्टि मिलेगी। अपने साथी को कुछ समय दें और अपनी भावनाओं को साफ साफ व्यक्त करें। बात करते हैं करियर की। आज आप किसी भी इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन और मीटिंग में लोगों को प्रभावित करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। अचानक प्राप्त हुआ धन आपको खुशी प्रदान करेगा, लेकिन किसी करीबी की घातक बीमारी आपको परेशान कर सकती है। लंबे समय से अटके हुए कार्य आज पूरे होने की कगार पर हैं, जिससे आपको खाली समय मिलेगा। मौके का सही उपयोग करके अपने करियर में चार चांद लगाएं। आप अपने आसपास के लोगों के ध्यान आकर्षित करेंगे और सब कुछ उस चीज के प्रति समर्पित कर दें जिसे जीवन कहा जाता है। बात करते हैं सेहत की। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या और खानपान आपको निरोग और ऊर्जावान बनाकर रखेंगे।
जैसे मौसमी परेशानियों का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर नहीं पड़ेगा। वातावरण का असर सेहत पर हो सकता है। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएं शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।